चलिए तो किसान भाइयों देख लेते हैं धान मंडियों के ताजा धान भाव। किसान भाइयों धान मंडियों के ताजा धान भाव आज के और कितना क्या देखने को मिला है। दिन भर देश की सभी प्रमुख मंडियों में किसान भाइयों स्पेशली बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की जितनी भी प्रमुख धान मंडियां हैं उनमें धान की ताजा स्थिति कितने क्या देखने को मिल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं धान के भाव में कितना क्या उठा पटक देखने को मिल रही है, कितनी क्या गिरावट, कितनी तेजी देखने को मिली है देश की सभी प्रमुख मंडियों में। आपको एक बात और बता दें किसान भाइयों कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके द्वारा हम दिन भर की ताज़ा अपडेट कितना क्या भाव रहने वाला है वो समय से अपडेट कराते रहते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके एक बार जुड़ जाइए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान भाइयों फतेहाबाद मंडी की। तो यहाँ 11/21 का भाव 3,045 रुपये प्रति क्विंटल, सतड़ा धान 2,905 रुपये, 15/09 2,360 रुपये और नरमा का भाव 5,880 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। वहीं कपास के भाव की बात करें तो 5,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कपास बिका है आज फतेहाबाद मंडी में। चलिए अब बात कर लेते हैं सिरसा मंडी की। तो यहाँ 14/01 का भाव 3,171 रुपये प्रति क्विंटल, पीवी वन धान किसान भाई 2,922 रुपये और 15/09 का भाव यहाँ पे 2,200 रुपये से लेके 2,459 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। नरबाला मंडी की बात करें किसान भाइयों तो 11/25 धान हाथ से कटा हुआ 2,925 रुपये प्रति क्विंटल, 11/21 का भाव 2,981 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं आपकों की बात करें लगभग 1,000 बैग्स की यहाँ पे आवक देखने को मिली है नरबाना मंडी में। बात कर लेते हैं कैथल मंडी की। तो यहाँ 11/21 का भाव 3,020 रुपये प्रति क्विंटल रहा। बरबाला मंडी में नरमा का भाव 5,511 रुपये प्रति क्विंटल और 11/21 किसान भाई 2,951 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज बरबाला मंडी में बिका है। वहीं बात करें आदमपुर मंडी की तो यहाँ कपास का भाव 5,562 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार का भाव 3,675 रुपये और नरमा का भाव 5,984 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला आदमपुर मंडी में। कैर मंडी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15/09 का भाव 2,200 से लेकर 2,251 रुपये प्रति क्विंटल, सुगंधा धान 2,111 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से विकास खैर मंडी उत्तर प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं नरेला मंडी दिल्ली की। तो यहाँ पे 11/21 टॉप में 2,801 रुपये प्रति क्विंटल, 17/18 टॉप क्वालिटी का भाव 2,711 रुपये प्रति 31 रुपये प्रति क्विंटल, 15/09 टॉप क्वालिटी 2,250 और सुगंधा का भाव 2,150 रुपये देखने को मिल रहा है। वहीं सरबती की बात करें तो टॉप क्वालिटी का सरबती आज 1,801 रुपये प्रति क्विंटल और ताज दान किसान भाई 1,950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नरेला मंडी में बिका है। वहीं आपको की बात करें तो टोटल आप यहाँ पे 4,000 बैग्स की देखने को मिली है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मंडी की। तो 15/09 2,265 रुपये प्रति क्विंटल, रतिया मंडी में 14/01 का भाव 3,161 रुपये, 15/09 2,321 के हिसाब से आज बिका है रतिया मंडी में। बात करें श्रीनगर श्री गंगानगर मंडी की तो यहाँ पे किसान भाइयों नरमा 6,170 रुपये, ग्वार का भाव किसान भाइयों 3,647 रुपये, मूंग 6,580 रुपये के हिसाब से बिकी है श्री गंगानगर मंडी में। तरंतरायण मंडी की बात करें तो 11/21 कंपाउंड से कटा हुआ 2,651 रुपये प्रति क्विंटल, 11/21 हाथ से कटा हुआ 3,070 रुपये और 11/17/18 धान हाथ से कटा हुआ 2,925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है तरंतरायण मंडी में। पिपरिया मंडी की बात करें तो चना का भाव लगभग 4,200 से लेकर 4,420 रुपये प्रति क्विंटल रहा, आवक 1,200 बैग्स यहाँ पे देखने को मिली है। वहीं मूंग के भाव की बात करें तो 6,000 से लेकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल भाव देखने को मिला और आवक लगभग 2,000 बैग्स ही रही। त्वार का भाव किसान भाइयों 6,000 से लेकर 7,150, आवक लगभग 1,500 बैग्स की देखने को मिली है। वहीं मक्के के भाव की बात करें तो 1,190 से लेकर 1,270 रुपये और आवक लगभग 700 बैग्स यहाँ पे देखने को मिली है पिपरिया मंडी में। अब बात कर लेते हैं गोहाना मंडी की। तो 11/21 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, टोहाना मंडी में 11/21 का भाव हाथ से कटा हुआ 2,890 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहा है। कोटकपुरा मंडी पंजाब की बात करें तो सारे के सारे भाव कंपाउंड से कटे हुए हैं किसान भाइयों। यहाँ 11/21 कंपाउंड से कटा हुआ 2,700 रुपये से लेकर 3,075 रुपये प्रति क्विंटल, 17/18 धान 2,600 से लेकर 2,930 रुपये और 14/01 का भाव 2,850 से लेकर 2,985 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं 15/09 की बात करें तो 2,300 रुपये से लेकर 2,370 रुपये प्रति क्विंटल 15/09 का भाव देखने को मिला है आज। बात करें बख्तनवाला मंडी अमृतसर की तो लगभग 4,000 बैग्स की आवक देखने को मिली और 11/21 का भाव 2,900 से लेकर 3,090 रुपये प्रति क्विंटल, 17/18 धान 2,950 रुपये प्रति क्विंटल और 15/09 का भाव किसान भाइयों यहाँ 2,066 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं टोहाना मंडी में नरमा का भाव 5,800 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला और फजिलका मंडी की बात करें किसान भाइयों तो 11/21 का भाव 2,893 रुपये प्रति क्विंटल, कलायत मंडी में नरमा किसान भाइयों 5,931 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला है। वहीं बात करें एलनाबाद मंडी की तो यह नरमा का भाव 6,010 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार 3,400 से लेकर 3,625 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है। वहीं सरसों के भाव की बात करें तो 5,950 से लेकर 6,040 रुपये प्रति क्विंटल सरसों का भाव रहा है।
चना किसान भाइयों 4300 से लेकर 4398 रुपये प्रति क्विंटल बिका। वहीं कनक के भाव की बात करें तो 1711 से लेकर 1765 रुपये प्रति क्विंटल। बाजरी का भाव 1280 से लेकर 1311 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं व्हाइट तेल किसान भाइयों 7000 रुपये से लेकर 7400 रुपये प्रति क्विंटल और काले तेल का भाव 7500 रुपये से लेकर 9400 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मूंगफली के भाव की बात करें तो 4060 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज मूंगफली बिकी है इलाहाबाद मंडी में। बात कर लेते हैं जीत मंडी की, तो यहाँ नरमा का भाव 6100 रुपये प्रति क्विंटल और नया सरसों किसान भाइयों 6000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है आज। बात करें मथुरा मंडी की किसान भाइयों, तो यहाँ पे आवक की बात करें तो सरसों की लगभग 20 बोरी आवक देखने को मिली और भाव 5355 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कनक का भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल और 1509 धान 2201 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हाथ से कटा हुआ आज बिका है। तो किसान भाइयों ये थी अब तक की जितनी भी ताज़ा अपडेट आई वो हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। कोई भी भाव लेट से अपडेट आएगा तो वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पता चल जाएगा, तो वहाँ पर एक बार जरूर जुड़ जाएँ। किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर वीडियो नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी करें, साथ ही उसका कारण भी बताएं कमेंट में, जिससे कि आने वाले दिनों में हम उसकी कमी दूर कर सकें और आपके लिए एक बेहतर वीडियो दे सकें। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि धान मंडियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और अनाज मंडियों के ताज़ा भाव आपको हमारे इस चैनल पर घर बैठे समय से अपडेट करा दिए जाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।